सो ओके गाइस, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे गाइस। तो सुबह का वीडियो जो आपने देख लिया होगा, तो आज है निष्ठा का बर्थडे। तो मैंने सुबह के वीडियो में बोला था कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं, तो फाइनली हम लोग केक लेके आ गए हैं, तो अभी सेलिब्रेट करने वाले है। तो सब मतलब वो डेकोरेशन वो सब करने वाले हैं अभी, तो सब दिखाऊंगा आपको, शुरू से एंड तक सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, हाय कर दे एक बार, हाय। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है तैयारी में लगे हुए हैं। और हाँ, इसकी मम्मी की यानी कि मेरी दीदी को बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले मेरे पापा को फोन किया था, वो यहाँ पे नहीं है फिलहाल, वो सूरत पे है, सूरत में जॉब पे है, माफ करना। तो उसका फोन आया था, तो हमने उसको नहीं बोला है केक लेके आए हैं, क्योंकि उसको हम सरप्राइज देने वाले हैं। वो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, कल वीडियो देखेंगे, उसके बाद वो फोन करेगी तो हम उसका रिएक्शन लेंगे। मेरे पापा तो बोल रहे थे कि मेरी बेटी को झूठ बोला है, वो नाराज हो गए, लेकिन सरप्राइज के लिए कुछ करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये डेकोरेशन कर देंगे, उसके बाद थोड़े से जो भी हमने बच्चों को इनवाइट किया है वो आए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चलो चलो दिखा रहा हूँ। एक बात बताने जा रहा हूँ मैं, तो इसको मैंने कुछ ज्यादा ही फुला दिया था, ये इसके जो है ना चीथड़े उड़ गए, तो माफी चाहते हैं। तो वो बिचारे का ऑपरेशन करके मैंने चिपका दिया है, वाह कोई बात नहीं, अभी इसको जितना भी फूला हुआ है उसको, और तन भी बहुत ज्यादा हंस रहे है क्योंकि बहुत जोर की आवाज आती, तो फट गया है, तो कोई बात नहीं, चला लेते हैं काम, अभी इनसे लंबा जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब वो पूरी की पूरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आधी तैयारी तो हो चुकी है, और अभी बलून्स वगैरह लगाने को बाकी है। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, और इसका तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती चल गई है, और इसकी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता है, मेरी दीदी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि बर्थडे हम लोग केक काटने वाले, ऐसा तो थोड़ा नाराज हो गई है। तो कल अगर दीदी वीडियो देखेगी तो दिल से सॉरी, बुरा मत मानना, और दिखाता हूँ मैं आपको अभी किस तरह का हमने जो है सेटअप किया हुआ है। कुछ ज़्यादा नहीं किया है गाइस, जितना हो सके हमने सिंपल रखने की कोशिश की है। तो ये कुछ है और बलून्स वगैरह है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बैक कैमरा से देखा, गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने वैसे सिनेमेटिक व्यू में देख लिया होगा, लेकिन ये कुछ इस तरह का, और इसका तो मतलब पंचर हो गया है ये, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे प्यारे सजावट कर दी है छोटी छोटी लड़कियों ने, और मैं आपको बैक व्यू से और आगे का व्यू से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का शानदार सा, मतलब मेरे लिए तो इतना बहुत है, लेकिन और यहाँ पे ये मेरी मम्मी है बैठी हुई है,
और ये है मेरे मामा का लड़का है, यहाँ पे आया हुआ है हमारे साथ। लेकिन अभी निष्ठा बेबी जो है वो तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे जो है केक कटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर फुल व्लॉग होगा, माफ कीजिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, केक कटिंग तक आपको सभी को दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बलून लगाए हुए हैं, ले गुड भाई ले चल हमें चल भाई आके आती ले गुड भाई आती ले हाथ पकड़ ले आवे साजिद भाई भी आ गए हैं सेलंबा से और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनकी लड़की मेरी भांजी है। तो आइए आपका इंतजार है, पहली बार मेरे घर में आए हैं, स्वागत है आपका। आइए बैठिए। मुझे तो यकीन नहीं था साजिद भाई आएगा ऐसा, लेकिन तो पहली बार मेरे घर आए, घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आपको पता था? पता था, ठीक है। तो अभी साजिद भाई भी आ गए हैं, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ पे केक भी आ चुका है, अभी केक का अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे केक है और साजिद भाई वगैरह सब लोग आ गए हैं, रंजीत मास्टर सब यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में केक का मर्डर करने वाले हैं, मतलब केक कटिंग करने वाले हैं। इसके अंदर है और कौन सा फ्लेवर है मैं बता दूँ आपको, चॉकलेट फ्लेवर है। अभी कैसा लगता है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी इसका फिलहाल तो अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं। सो गाइस अभी फाइनली केक कटिंग करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे कुछ मेंबर्स आए हैं केक कटिंग स्पेशल में। मेरी बड़ी मम्मी है और ये जो मेहमान है स्पेशली सेलंबा से आए हुए हैं साजिद भाई, इनको तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई भी है, मेरे पापा, मेरे मामा का लड़का और यहाँ हमारा क्यूट सा बच्चा हमारा, मेरी दादी देख सकते हो और मेरी भाभी, फिर ये मेरी मम्मी और ये रही बर्थडे गर्ल। ए बेटा इधर एक बार स्माइल कर दे, निष्ठा इधर देख, निष्ठू एक बार तो भी हिल है, गजब बेइज्जती है। ओके तो अभी यहाँ पे हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए केक को कटिंग करते हैं, ठीक है। छिलकियों का ओके, तो यहाँ पे सब ले ले, फूक फूक आमी फूका फूक
हो गए फूके ले 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर निष्ठा हैप्पी बर्थडे टू यू ले ले अमी दादी ले दादी पड़ो ए एक फूको फोड़ तो तेरा फोड़ फोड़ एक आध फूको फोड़ ना बस ले 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 दादी खाओ हमें ले बेटा ओके ले बाबा आवा में जो बाबा ओ बाबा कितने कह रहे वो दारिया दया ले आवे ले तू ले दादा ले हाँ है वो रा लेते मामा पेटी खोलने को यहाँ का मैं खाओ है पूरी मम्मी पापा को खिलाने पहले मम्मी पापा को खिला तो तू खा ले रे देखो ज्यादा नहीं है वेस्ट नहीं करने का इसका बर्थडे है फाइनली 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इसकी मम्मी को जो है बिल्कुल भी पता नहीं है ये एक सरप्राइज प्लान था हमारा तो अगर दीदी कल ये वीडियो देखेगी तो दिल से सॉरी लेकिन जितना हो सके हमने किया है ले भाभी ले साजिद भाई इसको केक खिला दो एक बार वीडियो में आ जाओ मामा है यहाँ तो यहाँ पे हमारे साजिद भाई है उसको अभी निष्ठा को ले ओके इधर देख लो साजिद भाई एक बार ओके थैंक यू और आप मेरे घर पे आए मुझे बहुत अच्छा लगा ये बड़ी अच्छी बात कही आप हे बेबी यस ओके बस सूर्य दादा तो यहाँ पे मेरी भाभी है निष्ठा को केक खिलाएंगे अभी छोटा छोटा ज्यादा नहीं खिलाएंगे फोटो लेने दे ले तो यहाँ पे साजिद भाई ने गिफ्ट दिया है क्या है मुझे भी नहीं मालूम है लेकिन थैंक यू इसकी जरूरत तो नहीं थी लेकिन अनबॉक्सिंग भी खुद ही कर रहे हैं तो ये कुछ तो है वाओ ये क्या है ऐसा ओ खुश हो गई है थैंक यू इसको साइड पर रखो अभी भाई नेक्स्ट टू तुम भी जत्रा जो जत्रा आबाजो हैप्पी बर्थडे आके दे थैंक यू आके थैंक यू आके ओके हाँ इसका तो यहाँ पे रंजित मास्टर जो है अभी केक खिला रहा है थैंक यू अजलबा आखे थैंक यू मोटा पापा आखे तो फाइनली गाइस सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके केक खिला दिया है अभी हम लोग इसको ज्यादा वो केक भी नहीं लगाया है वो वेस्ट नहीं करेंगे तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ
एक अच्छी सी कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो साजिद भाई भी आए मेरे घर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स है सब, वो सब आए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और दीदी एक बार फिर से सॉरी, क्योंकि ये सरप्राइज पापा का था, तो अच्छी तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और अभी हम लोग सबको केक खिला देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, तो मेरे बड़े भाई और भाभी लास्ट में आए हैं, तो वीडियो एंड तो कर दिया था लेकिन आ गए हैं। तो यहाँ पे सीलास कुमार भी आ गया है, तो निष्ठा बेबी को बड़े मामा और बड़ी मामी आ गई है, तो केक खिलाएंगे अभी। चलो खिला दो, चलो लगा अभी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बासे बास भी गया मैं, गजब बेइज्जती है। ले ले, ओके सीलास भाई, कोटकी की नामी, ओके चलो हो गया। तो वीडियो तो मैंने एंड कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से आ गए बड़े मामा और मम्मी। कहाँ गए तुम, यात्रा खामी? हाँ कामी पोरी ले चल बेटा, पोरी ले रहा कामी नंदे तो का ओके। हाँ तो यहाँ पे मामा जी जो है, मेरे बड़े भाई जो है, चेतवा गया है। ओ सबसे बड़ा गिफ्ट तो चलो I'm going to go to the next one.